दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1988 के दौर में जितनी लोकप्रियता अरुण गोविल की थी, उतनी किसी फिल्म स्टार की भी नहीं थी। जी हाँ, ये सच है। 80 के दशक में टीवी पर शुरू हुई रामायण में राम का किरदार निभा रहे अरुण गोविल खुद भी नहीं जानते थे कि वो कितने पॉपुलर हो चुके हैं। कहते हैं कि जब रामायण शुरू हुआ तो उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था। मुंबई से दूर उमरगांव में शूटिंग होती थी, उस समय मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। उन्हें कुछ समय तक तो ये अंदाजा ही नहीं था कि लोगों को रामायण कितना पसंद आ रहा है। इसके बाद जब उनको उस समय पीएम रहे राजीव गांधी ने दिल्ली बुलाया और स्वागत किया गया तो उन्हें पता चला कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ चुकी है। खास बात यह है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अरुण गोविल विदेश में तक लोकप्रिय हो चुके थे। लोग उन्हें सच में भगवान मानने लगे थे। उन्हें देखकर उनके पैर छूते और तो और उनके किसी भी गलत आचरण पर भड़क उठते, जैसे कि उनके सिगरेट पीने को गलत समझते थे। इसी वजह से अरुण गोविल ने सिगरेट हमेशा के लिए त्याग भी दी। हालांकि इतनी पॉपुलैरिटी ने अरुण गोविल की जिंदगी में कुछ मुश्किलें भी बढ़ाई। अरुण गोविल ने बताया था कि राम की भूमिका करके वो इतना फेमस हो गए कि किसी और रोल के लिए उन्हें निर्माता अप्रोच नहीं कर पाए। निर्माताओं को लगता था कि उन्हें कमर्शियल फिल्मों में देखना शायद पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, राम के किरदार के कारण उनका खुलेआम घूमना भी मुश्किल हो गया था। यानी कि भगवान राम बनना अरुण गोविल के लिए इतना भी आसान नहीं था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आज अभिनेता अरुण गोविल के जन्मदिन के मौके पर उन्हें विश करना बिल्कुल न भूलें।